morning. I'm Dr. Lydia Solomon from Christian Medical College and Hospital in Ghana. I'm an IV physician, infectious disease specialist. A lot of panic is going on around corona disease, and everybody is scared as to what will happen. अगर हमको पहले हम कोरोना डिजीज में हमको सिम्टम्स पता होना चाहिए कि थ्री मेन सिम्टम्स होते हैं फीवर कॉफ एंड रेडनेस बुखार खांसी और सांस लेने में तकलीफ एनीबडी हैज एनी ऑफ दीज सिम्टम्स काइंडली रिपोर्ट टू अ नियरेस्ट डॉक्टर तो हमारे पास है स्वयं जी हमारे पास आए थे वीक्स अगो विद सिम्टम्स के साथ आए थे और एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फैमिली से दूर रहना बहुत डिफिकल्ट होता है बट स्वयं जी और उनके फैमिली ने बहुत हेल्प किया हमको एंड शी ऑल राइट नाउ इनका दोनों रिपोर्ट अभी नेगेटिव आए थे पहले पॉजिटिव थे अभी नेगेटिव आ गए हैं एंड हम भी बहुत खुश हैं कि थैंक गॉड दैट शी इज ऑल राइट नाउ एंड शी इज गोइंग होम हम स्वयं जी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे स्वयं जी आप बोल रहे हैं कि बहुत लोग बाहर रहे तब बहुत डर रहे हैं कि कोरोना क्या है और पॉजिटिव हो जाए तो हम लोग क्या होगा आप पहले तो मैं अपने गुरु महाराज जी का धन्यवाद करनी हूँ जिन्होंने मैंने ठीक किया और डॉक्टर साहब अपना स्टाफ का सारे का धन्यवाद करनी हूँ मैं आई सी जलंधर तो जो मैं आई मेरी हालत बहुत खराब सी मैं रात में बुखार चढ़िया कंबा चढ़िया तो फिर असी डॉक्टर दिखाने गए उन्होंने क्या एडमिट करा दिया असी फिर सीधा इतने लुधियाने ही आ गए इतने आके इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया इन्ना किया कि मैं पॉजिटिव सी तो मेरा इन्होंने हूँ तक नैगेटिव कर दिता है मैं यह कहनी हाँ मैं इस एज उम्र मैं ठीक हो गई हाँ तुम घबराओ ना खांसी जुकाम बुखार जो भी होंगे आके टेस्ट कराओ तो अपना सफल जीवन करो ठीक हो गए सब जो मैं इस एज हो सकी हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਜੋ ਕਿ 72 ਇਅਰਸ 72 ਸਾਲ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਂ 21 ਮਾਰਚ ਕੋ ਆਏ ਥੇ ਸਾਂਸ ਲੈਣੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੇ ਔਰ ਕਮਕਬੀ ਥੀ ਇਨਕੋ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਆਏ ਥੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਥਾ ਹਮਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਂ CMC लुधियाना में जो कोरोना पॉजिटिव थे और आज एक महीने की ट्रीटमेंट के बाद ये घर जा रहे हैं हम जितने भी हमारा स्टाफ है इंटेंसिविस्ट हैं मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं नर्सिंग और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ वी आर थैंकफुल टू देम कि इस पेशेंट की केयर की प्रॉपरली और वो आज घर जा रहे हैं इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं जिनको लगता है कोरोना प्रॉब्लम हो सकती है उनकी स्क्रीनिंग के लिए उनके इलाज के लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है स्क्रीनिंग से जगह बनाई गई है फ्लू कॉर्नर बनाया गया है और जहां पे हम इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट और इलाज करते हैं और दूसरे प्रॉब्लम्स के जो पेशेंट हैं उनके लिए अलग OPD चलती है और किसी भी पेशेंट को अगर कोई ज़रूरत है वो हमारी रूटीन OPD में आ सकते हैं सारी OPDs खुली हैं और ऑपरेशन और ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स को चाहिए वो मिल रही है हमें ये भी पता चलता है कि कोरोना का इलाज है और अगर हम सही टाइम पर डॉक्टर के पास जाएं और अपने आप को उनकी ट्रीटमेंट के अनुसार उनकी ट्रीटमेंट दें तो उसकी ट्रीटमेंट है हमें घबराना नहीं चाहिए अगर प्रॉब्लम हो तो अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं लॉकडाउन की और फिज़िकल डिस्टेंसिंग की उसकी हमें पालना करनी चाहिए और वो सही तरीका है जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें बताया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया उसको हमें फॉलो करना चाहिए थैंक यू